दुर्ग जिले में आज से निजी और सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। शाला प्रवेश उत्सव के साथ ही स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। CBSE स्कूल में 17 अप्रैल में ही शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे 1.5 महीने बाद दोबारा स्कूल खुलने के लेकर बच्चे उत्साहित हैं। वहीं बाजार में भी स्कूली बच्चों की भीड़ रही है। साथ ही विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा स्तर के बच्चों के सीखने की क्षमता को लेकर निर्देश दिए हैं। खासकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि जिले में प्राइमरी छात्रों की संख्या 1,44,833 तो मिडिल छात्रों की संख्या 86,652 है। वहीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 1,01,761 बच्चे हैं। कल पूरे ऑलमोस्ट 1.5 महीने के गैप के अंतराल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, उसके लिए सभी स्कूलों में आवश्यक साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिले में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। इस साल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की भी संख्या काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्कूलों में भी यह प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। एक अच्छा माहौल, एक अच्छे उद्देश्य के साथ स्कूल चालू करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है।